Very good morning students, I am your maths teacher and today I will teach you maths of class 6th and today we continue chapter 1 knowing the numbers and today we start new exercise 1.2 part 1 page number 9. So first of all of you open your maths book. मैथ्स ऑफ क्लास 6th. अच्छा आज मैं आपको क्लास 6 का मैथ्स पढ़ाऊंगी. आज हम नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 1 पेज नंबर 9. सो सी क्वेश्चन नंबर 1. राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स एज डायरेक्टेड. यहाँ पे देखिए नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इनको राउंड ऑफ करना है. तो देखिए हम किस तरह से इनको राउंड ऑफ करेंगे. सी इन दिस कॉपी क्वेश्चन नंबर 1. राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स एज डायरेक्टेड. फर्स्ट है हमारा 23 एंड 76, टू नियरेस्ट टेंस. हमें जो 23 है इसे हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस. देखिए राउंड ऑफ कैसे करते हैं, पहले मैं आपको एक पेज पर आपको राउंड ऑफ करना सिखाती हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे. देखिए जैसे हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस में, तो राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस में मैंने टेंस लिखा हुआ है तो हमारा नंबर मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर 73. अब इस नंबर को हमें इसमें जो टेंस वाला नंबर है उसे हमें राउंड करना है. तो टेंस वाला नंबर पहले देखिए हमारा कौन सा है, ये वंस टेंस, यानी इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर ली खुद को समझने के लिए. आपको करना नहीं है लेकिन हमें समझने के लिए हमने इसको एक निशान लगा लिया कि इस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है. अब देखिए इस नंबर को राउंड ऑफ करने का मतलब है या तो ये 7 ही रहेगा या ये 7 बढ़कर मतलब इसमें 1 बढ़कर 8 बन जाएगा. अब हम किस कंडीशन में इसको 7 का 7 लिखेंगे या फिर ये 7 का 8 बन जाएगा, अब वो देखिए आप बस इसी को आपको याद रखना है. 7 से पहले वाला जो नंबर है, अगर ये नंबर हमारे 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी नंबर होता है यहाँ पर, यानी 5 से कम होता है. देखो 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी नंबर 5 से कम होते हैं. तो जिस नंबर को हमें राउंड करना है उससे पहले वाला नंबर अगर 5 से कम है तो ये 7 का 7 ही रहेगा. तो जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 का हम 7 ही लिखेंगे, हम इसे एक नंबर आगे नहीं बढ़ाएंगे और इसके आगे जितनी भी डिजिट हैं उनको हम 0 लिख देंगे. तो इसके आगे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम ये 10 लगा देंगे. तो यानी कि 7 को हमने राउंड ऑफ कर दिया टेंस में, यानी 7 हमारा टेंस वाला नंबर है तो ये हमने इसको राउंड ऑफ करके हमने 70 लिख दिया तो ये हमारा नियरेस्ट टेंस में राउंड हो गया. इसी तरह से मान लीजिए अगर ये 75 होता तो हमें राउंड किसको करना है, टेंस. तो टेंस वाला नंबर क्या है, वंस टेंस, ये टेंस है, 7 का हमें राउंड करना है. अब देखिए 7 से पहले क्या है, ये 5 है, यानी कि ये 4, 5 है. जब भी यहाँ पर 5 होगा या 5 से ज़्यादा कोई भी नंबर होता है 6, 7, 8, 9 तो ये जो 7 है ये एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, यानी फिर हम 7 नहीं लिखेंगे, 7 का एक नंबर इंक्रीज होकर बन जाएगा 8 और फिर ये 0 का 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा फिर 80. इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिखा 246, हमें राउंड किसे करना है बच्चों, टेंस को. तो वंस टेंस यानी 4 को करना है. अगर आगे कोई नंबर है तो उस रहने दीजिए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो 4 को हमें राउंड ऑफ करना है तो सबसे पहले 4 से पहले जितनी भी डिजिट हैं उनको आप इसी तरह से लिख लो सेम. 2 है तो 2 का 2 लिख लिया,
और फोर को राउंड करने के लिए या तो ये फोर रहेगा या ये फोर का फाइव बन जाएगा। तो अब देखिए ये फोर बनेगा या फाइव बनेगा। फोर से पहले क्या आ रहा है बच्चों? सिक्स। अब जो सिक्स है वो फाइव से ज़्यादा होता है। तो जब ये फाइव से ज़्यादा है तो ये फोर एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, यानी फोर का क्या बन जाएगा? फाइव। तो हम यहाँ लिख देंगे फाइव। और कितना नंबर यहाँ पे फोर के बाद कितनी डिजिट है? वन डिजिट। तो एक ज़ीरो लगा देंगे हम, यानी कि 246 को जब हमने राउंड किया तो इसका राउंड नंबर बन गया 250। और ये हमने किसके किसको राउंड किया है? टेंस में। इसी तरह से बच्चों 100 के होते हैं नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10000, इसी तरह से होते हैं। अब देखिए 100 वाला नंबर भी आप देख लीजिए, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, यानी कि 100 वाला 100 लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए लिखा 7 8 9। अब इसमें 100 वाला नंबर, ये 100 था, हम 100 वाला नंबर पहले हम अंडरलाइन कर लेंगे। वंस टेंस 100, यानी 7 को क्या करना है बच्चों? राउंड ऑफ। तो 7 को राउंड, यानी कि तो ये 7 रहेगा या फिर ये 7 का एक नंबर बढ़ जाएगा, यानी 8 बन जाएगा। अब देखते हैं ये बढ़ता है या सेम रहता है। तो 7 से पहले देखो क्या आ रहा है? 8। 8 5 से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। तो अब ये 5 से ज़्यादा है तो हम 7 को बढ़ा देंगे, तो यानी कि 7 का क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। और इसके पीछे जितनी भी ये डिजिट हैं 1 2, यहाँ पे फिर दोनों डिजिट 0 बन जाएंगी। यानी 789 का राउंड ऑफ हो गया 800, यानी हमने इसको 100 वाले नंबर को राउंड कर दिया। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ है हमारा 4 7 3। अब 100 वाला नंबर कौन सा है बच्चों? वंस टेंस 100, यानी 4 को राउंड करना है। तो 4 को राउंड करने के लिए या तो ये 4 रहेगा या फिर ये 5 बन जाएगा। तो देखते हैं 4 से पहले क्या आ रहा है बच्चों? 7। तो 7 देखो 5 से ज़्यादा होता है, हाँ, तो 4 का क्या बन जाएगा? 5। जब ये ज़्यादा होगा तो ये नंबर बढ़ जाएगा, तो 5 हो जाएगा और ये दोनों डिजिट हमारी 0 बन जाएंगी। मान लीजिए मैंने लिखा 32 और ये 8। अब ये 1 10 100, 3 को राउंड करना है तो 3 से पहले क्या आ रहा है बच्चों? 2, यानी ये 5 से कम है तो 3 का 3 ही रहेगा और बाकी दोनों डिजिट 0 बन जाएंगे। तो 3 का हम 3 लिखेंगे, इसको बढ़ाएंगे नहीं, हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे और ये दोनों डिजिट हमारी 0 बन जाएंगे। तो बच्चों समझ में आया राउंड कैसे करना है? जिस डिजिट को हमें राउंड करना है उससे पहले नंबर अगर 5 से कम है तो हम ये नंबर को सेम लिखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं और बाकी सारे डिजिट 0 बन जाएंगी। अगर ये नंबर हमारा 5 होता है या 5 से ज़्यादा होता है तब हम राउंड वाले नंबर को एक नंबर बढ़ा देते हैं, यानी कि 1 नंबर इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरह से हम राउंड करते हैं। चलिए अब हम अब करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, हमें 23 को टेंस में राउंड करना है। तो 1 टेंस 2 है हमारा, 2 से पहले क्या आ रहा है? 3। ये 5 से कम है तो 2 का 2 ही रहेगा बच्चों और 3 का 0 बन जाएगा। इसी तरह से 76 है तो 7 से पहले क्या आ रहा है? 6। ये 5 से ज़्यादा है तो 7 एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 8 और ये 0 बन जाएगा। इसी तरह से देखिए 100 को राउंड करना है, 100 वाला नंबर 1 10 100, यानी 5 को राउंड करना है तो 5 से पहले क्या आ रहा है? 4, जो कि 5 से कम है तो 5 का 5 ही रहेगा ये और ये दोनों नंबर 0 हो जाएंगे। तो 5 0 0। अब देखिए 100 वाला नंबर है 1 10 100, 6 को राउंड करना है, 6 से पहले क्या आ रहा है? 7, तो ये 5 से ज़्यादा है तो 6 एक नंबर बढ़ जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा? 7। तो हम यहाँ 7 लिखेंगे और ये दोनों डिजिट हमारी 0 बन जाएंगी। तो इस तरह से हमने इसका राउंड नंबर ये हो गया। इसी तरह से देखिए सी इसको नियरेस्ट 1000 में करना है तो 1000 वाला नंबर देखेंगे, 1 10 100 1000, यानी 8 को राउंड करना है हमें। तो 8 से पहले देखिए क्या है? ये 2। अब 2 5 से कम है
तो 8 का 8 ही रहेगा बच्चों, क्योंकि ये कम है 2, तो 8 का 8 और बाकी कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 30 बना दो, सब जीरो हो गया। इसी तरह से देखिए 1000 वाला नंबर 1 10 100 1005 है, 5 को हमें राउंड करना है, तो 5 से पहले देखो चेक करो, ओ 8 है, ये तो 5 से ज़्यादा है, तो 5 एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, यानी 6 बन जाएगा, यहाँ 6 लिखेंगे और इन तीनों को हम जीरो में लिख देंगे। तो ये हमने किसको किया, 1000 वाले को राउंड ऑफ कर दिया। इसी तरह से इनको नियरेस्ट लैक, यानी जो लैक वाला नंबर है उसे हमें राउंड करना है। तो चलिए पहले हम प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं, 1s 10s 100s 10000 lakh, यानी 6 को राउंड करना है। तो 6 से पहले देखो क्या है, 3। अब जल्दी से बताइए, 3 5 से कम है? जी हाँ, 3 5 से कम है, तो 6 का 6 ही लिखेंगे हम। और इसके पीछे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो आप 50 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। तो ये हमने क्या किया, लैक वाले नंबर को राउंड कर दिया। तो इस तरह से हम 10 लाख करोड़ 10 करोड़ किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।